बच्चों अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कहते हैं बच्चों, इसका मतलब हम कोई भी एक पक्ष को लेंगे। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/8। अब हम इसमें से आप फार्मूला, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स का चार पद हैं तो हम दो दो पद का जोड़ी बना लेते हैं और इसके साथ हम फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला बच्चों आप ध्यान रखें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x into y, जहाँ एक्स वाई इज लेस देन 1 हो। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें, ये इसमें एक्स 1/5 वाई 1/7 लेते हैं तो 1/5 × 1/7 इज इक्वल टू 1/35, 7 × 5 = 35, जो कि 1 से कम है। दूसरा वाला हम यदि हम लेते हैं तो 1/3 × 1/8, आप देख सकते हैं दोनों का गुणनफल 1/24, जो कि 1 से कम है। मतलब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम इसमें फार्मूला लगा दें, टेन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब 1 + 5 + 1/7 upon 1 - 1/5 × 1/7। पहले जोड़े में आपने फार्मूला लगाया, दूसरे जोड़े में आप फार्मूला लगाइए। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/3 + 1/8 upon 1 - 1/3 × 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए, 7 × 5 = 35, तो ये हो गया 7 + 5 / 5 = 35, और यहाँ पर भी लघुत्तम 5 × 7 = 35 होगा, तो ये 35 - 1 / 35। ठीक ऐसा ही इसमें भी हम लगाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ ये आ गया 8 + 3 / 8 = 24, 24 लघुत्तम हो जाएगा, नीचे भी 24 लघुत्तम हो जाएगा, 24 - 1 / 24। अब इसको हम सरल करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ हल कीजिए, ये बटे का बटे के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हर समान होने के कारण कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और 5 = 12 और बटे ये हो गया 35 - 1 = 34। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा को सॉल्व करेंगे, 8 × 3 = 11 = 24 - 1 = 23। ठीक है बच्चों, अब ये सरल होता है सरल कर दीजिए, ये सरल होता है सरल कर दीजिए।
देखिए दो से भाग जा रहा है, दो सत्ते चौदह, दो एकम दो सत्ते चौदह, 7/17, सॉरी 2 6 12 है ना, दो से कैंसिल होगा तो। और ये तो दोनों अभाज्य है और सरल नहीं किया जा सकता, 11/23। अब पुनः हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, 6/17 और गुना 11/23, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो गुणनफल भी 1 से कम होगा, इसलिए हम इसमें भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम पुनः फार्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, 6/17 धन 11/23 बटे 1 - 6/17 इंटू 11/23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ ये हो गया, हम इसको करेंगे 6 × 23, 17 × 11, क्योंकि इसमें लघुत्तम 17 × 23 कर देंगे, ये आसान है बच्चों, यहाँ पर जो लघुत्तम वही यहाँ पर भी लघुत्तम, तो हर कैंसिल हो जाता है, ये इसमें सुविधाजनक है। तो ये हो जाएगा 6 × 23 कर लेते हैं, 6 × 3 = 18, हासिल 6 × 12 = 13, और प्लस 11 × 17 करते हैं, 11 × 17 = 77 का 7 हासिल 7, 11 × 11 = 7 = 18, और बटे में आ गया आपका 17 × 23, इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, गुना के रूप में रखो, यहाँ पर भी लघुत्तम गुना के रूप में रख लो 17 × 23, और 17 × 23 को यहाँ यहाँ रख दीजिए, 17 × 23 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 17 × 51 हासिल 5, 17 × 34, 34 × 5 = 39, और -11 × 66, और बटे में 17 × 23, तो 17 × 23 ये कैंसिल कर दीजिए और ऊपर को सरल कीजिए, 8 × 7 = 15 का 5 हासिल 1, 8 × 3 = 11 = 12 हासिल 1, ये 325 आ गया, 66 घटाओ 11 में, 6 गया 5, बच गया 8, 8 में 6 गया 2 और 3 × 3, आप देख रहे दोनों समान आ गए बच्चों, तो ये मिला आपको 10 इनवर्स 1। तो इसको और सरल कीजिए, 10 इनवर्स ऑफ 1 जो है 10π/4 का मान है, ठीक है, तो 10 इनवर्स, अब ये क्या आ रहा है 10 इनवर्स 1, तो 10 इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट जो होता है या रेंज जो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, ठीक है, और उसको बिलोंग भी कर रहा है, मान पूछता तो भी हम π/4 लेते हैं, और ये चूंकि सिद्ध कीजिए इसलिए बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सिद्ध कीजिए है π/4, तो 1 जो है 10π/4 का मान है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया, 10 इनवर्स ऑफ 10θ = θ या 10 इनवर्स ऑफ 10x = x, तो यह π/4 = RHS, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला आप अप्लाई किए हैं आप साइड में लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10x = x, सिंस करके लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से LHS = RHS, तो आप जब इसको फार्मूला लगाने के बाद जब सरलतम रूप में लाते हैं वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स ऑफ 63/16 (63/16) और (sin inverse of 5/13) प्लस (cos inverse of 3/5). तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान या सरलतम रूप एक जैसा है, समान है, ये सिद्ध करना है। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे कोई भी एक साइड को लेंगे
और दूसरे साइड के बराबर लाएंगे। तो हम इसमें राइट साइड में दो पद है, तो हम दो पद वाले पक्ष को लेते हैं, तो ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। बच्चों अब इसमें हम फार्मूला, योग वाला फार्मूला कैसे लगा सकते हैं? या तो दोनों साइन इनवर्स होना चाहिए या दोनों कॉस इनवर्स होना चाहिए, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें से किसी एक को दूसरे के पद में आपको कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो आपके पास कोई कन्वर्सन फार्मूला है क्या? जैसे मान लीजिए हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्स करना चाहते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - x² अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा तरीका है, दोनों तरीके बच्चों इसमें हम जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पर जैसे कॉस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, तो ये लंब निकालने की ज़रूरत होती है। तो कर्ण का वर्ग माइनस ये आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग ये मिल जाता है, जिससे हम साइन में बदल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 3 की स्क्वायर, ठीक है, 25 - 9 = 16, 16 का वर्गमूल 4, ये 4, तो यहाँ से आप साइन में बदल सकते हैं। तो इसका मान साइन इनवर्स 4/5 होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि यदि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव ना होकर 3 मार्क्स में दिया है, 2 मार्क्स में दिया है, तो हम प्रॉपर इसको करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - 3/5 का स्क्वायर। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया, 9/25, सरल कर दीजिए 25 - 9 और बटे 25, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 25 - 9 16 - 25 का रूट 4/5, जो आपको देखने को मिल रहा है 4/5, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, दोनों को या तो साइन इनवर्स होना चाहिए या कॉस इनवर्स होना चाहिए, जैसे हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदले, तो हम यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर 1 - y² प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 - x², ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, लगा दिया फार्मूला, तो साइन इनवर्स ऑफ ये दो कोण के योग को हम एक कोण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं इस फार्मूला से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आप एक्स मानिए और इसको वाई मानिए, तो ये हो जाएगा 5/13 इंटू रूट ओवर 1 - y² यानी 16/25 और प्लस 4/5 इंटू रूट ओवर 1 - x² यानी 5/13 की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 25, 13 की स्क्वायर 169, ये लगा दिया। फिर इसको हम सरल करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ, सरल कीजिए 5/13 और इंटू ये हो जाएगा 25 - 16 - 9 9/25 का रूट 3/5। ये कैलकुलेशन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, स्टेप बढ़ा सकते हैं, स्टेप जितना शॉर्ट करना है कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती ना हो, चूक ना हो। प्लस 4/5 इंटू ये हो जाएगा
169 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 144, 144 बटे 169, उसका वर्गमूल आ जाएगा 12/13। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। साइन इनवर्स ऑफ ये दिया हमको 5/13 गुणी 3/5 और प्लस 4/5 और ये दिया हमको 12/13। अब कितना आ गया एलसीएम आ गया 13 × 5 = 13 × 5 = 65 एलसीएम आ गया। अब ये हो गया 5 × 3 = 15 और 12 × 4 = 48। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 8 × 5 = 13 × 4 = 5 = 66 / 65। ये आ रहा है बच्चों, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है टेन इनवर्स में है और ये जो दिया है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स से बदलने के लिए फिर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, सपोज इज इक्वल टू थीटा ऐसा मान लेते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 63/65। अब ये होता है लंब बटे कर्ण। अब क्या रह गया, आधार निकालना है, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण 65 है और लंब जो है 63 है। अब आपको आधार निकालना है, यह आधार है। ठीक है, तो आधार आप ले सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर - 63 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लो 65 × 63 और गुना 65 - 63, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 8 और 6 × 6 = 12 128 और ये 2 128 और ये हो जाएगा गुना 2 256 अब इसका रूट निकाल लीजिए बच्चों 256 16 का स्क्वायर होता है 16 × 16 आप इसको अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं, भाग विधि भी निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, अभाज्य गुणन सभी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्लास में भाग विधि से सरल पड़ता है या फिर टेबल याद रहता है तो भी, और कुछ संख्या जो बार बार यूज़ होते हैं उसका वर्गमूल तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो ये आता है आधार 16। तो यहाँ पर यहाँ से लंब कर्ण के आधार की सहायता से आधार निकाला और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार और लंब है 63 और आधार जो निकाले हैं वो है 16। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 63/16। अब बच्चों ये एक रिजल्ट जो आपने राइट हैंड साइड लेकर के सरल किया है और दूसरा थीटा का मान यहाँ निकाला है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसको आपने थीटा में निकाला था, थीटा माना था और यहाँ से थीटा निकाले हैं, दोनों थीटा का मान है, इसका मतलब साइन इनवर्स 63/65 और टेन इनवर्स 63/16 दोनों थीटा है यानी दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 और 2 लिख सकते हैं 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको मिल गया साइन इनवर्स 63/65 की जगह पे लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ 63/16 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।